बाबू हमारा आवाज में आप लोग बहुत कान सुन ली, हर तरह के बिरहा गा के आप लोगन के बीच में भेजली, आप लोग बड़ा लायक कैली दुलार प्यार आपन दिहली। हम ओम प्रकाश सिंह यादव पूरी पार्टी बक्सर बिहार आप लोग के आभारी बने। एक और कहानी सामने आई है, एक और कहानी प्रकाश में आई है, जैसा आप लोग सुनते आए हैं हमारी आवाज में बड़ी करुण कहानी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मिजाज से इस बिरहा को आप लोग सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो आंख से आंसू आवे न आवे, लेकिन ये मेरा दावा है कि कितना हो पत्थर का कलेजा होगा, कलेजा पिघल जाएगा। कैसी कहानी है बाबू, कवि जी बड़ी अच्छी बात लिखे हैं भूमिका में क्या। गरीबों का गाथा गजब है जहां में, मवसर नहीं है कभी मुस्कुराना, नफरत तिरस्कार अपमान सहते, जले पर नमक छीट देता जमाना, नदारत हुई नींद आंखों से इनके, इनके का टूटा हुआ या सियाना, अनुजलाल वो पी नहीं मिलती रोटी, धोती फटी और गमछा पुराना। यहाँ एक लाइन गजल का नमूना दिखल गई, का गजल का लाइन बा मास्टर। है गजल का लाइन बा रेडियो रिकॉर्ड से आप लोग सुनी ला, कि तुम मेरे बाद, तुम मेरे बाद मोहब्बत को तरस जाओ, अजनबी शहर है चाहत को तरस जाओगे, अजनबी शहर है चाहत को, लेकिन कितना सुंदर गाना का भाव लिखल गए, भाव कवि दिहलन है पूरा गाना का निचोड़ का, कि दुख जब होता है, दुख जब होता है तो आंसू निकल आता है, आंसू निकल जाता है, जब आता है समय, जब आता है तो भाग बदल जाता है, समय जब आता है तो भाग बदल जाता है, कहीं कहीं
आप लोग पढ़ते होंगे बाबू, लिखा रहता है कि समय से पहले और भाग से ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ध्यान देंगे इहवें से कहानी का शुरुआत हो गई। ई कहानी कहाँ का बा, केकर बा, कैसन कहानी बा, कवि जी बात लिखलन है। कहानी प्रकाश में आयल तक लिखल गए। नाथ बिहार गंगा सोन की तराई में, नाथ बिहार गंगा सोन की तराई में, दियारा क्षेत्र बाढ़ सूखा से दुखदाई में, बेचारा बाबूलाल, बेचारा बाबूलाल तंग हो गरीबी से, दिल की बात बताया है अपने बीबी से, मुंबई महानगर है शहर अमीरों की, मुंबई महानगर है शहर अमीरों की, सेठ साहूकार राजनेता और हीरो की, चलो चल करके प्रिया, चलो चल करके प्रिया वहीं दिन बिताएंगे, चलो चल करके प्रिया वहीं दिन बिताएंगे, परिश्रम करके राहुल रेखा को पढ़ाएंगे, ए बाबू कहानी तनी समझ लें, एकदम कहानी साफ साफ समझ में चलिए। नॉर्थ बिहार, पूर्वी बिहार, नॉर्थ बिहार में देरांचल क्षेत्र में मधेपुरा तरफ जब आप लोग जाएंगे एक छोटा मोटा गांव मिलता है, जेवना गांव का नाम करौती हो। करौती का रहने वाला बाबूलाल बड़ी गरीब आदमी था। बाबू पत्रिका में जैसन बतावल गई, बाबूलाल पति का नाम, बाबूलाल के पत्नी का नाम प्रिया, और ओ बाबूलाल के गोद में भगवान दूठे फूल देले रहलन, एगो बेटी एगो बेटा। बेटी बड़ा रहे, बेटा छोट रहे। बेटी का नाम रेखा रखले रहलन और बेटा का नाम राहुल रखले रहलन, दोनों पति पत्नी। आज मजदूरी कई के इलन है बाबूलाल, शाम के हाथ गोड़ धो के खाना खाए बैठलन, कलन की प्रिया सुना आज हम अपन दिल के बात कुछ तरह से बतावल चाहत पानी, शेयर कर चाहत पानी। बिचारी गरीब का मेहरारू लोटा में पानी लेके आके रखलस, कहलस की का रउआ रोज ये कुल बात बतियाई ना, का दिल के बात बतावल चाहत नहीं बताई। कलन के देखा हमनी के बड़ा गरीब आदमी बन जा, जन दू एक बीघा खेत भी बा, हर साल बाढ़ आवेला ओकरा में कुछ हो ना पावेला, अब भगवान एगो लड़का एगो लड़की देले हूँ। हम सोचत बानी कि हमारे एगो दोस्त भी बम्बई रहेलन, चलती जा हमनी के बम्बई, बड़ा शहर बा, अमीरों की शहर है बम्बई प्रिया, बड़े बड़े नेता रहते हैं, हीरो हीरोइन रहेलन, माल धनी रहेलन, बड़े बड़े फैक्ट्री बाड़ी सन, ता एक काम करिता कि चल तू, कहलन कि अगर हमार बात निक लगी तो सलाह दिया, हमार मन में उद्गार बा, हमनी के गांव छोड़ के लड़का लेकिन के लेके बम्बई चल, चल के वही जा कमाई जाई, लेकिन लेकिन के पढ़ावल जाई, अपन लड़का लेकिन के मजदूरी कह के मेहनत कह के पढ़ा लिखा के एक अच्छा इंसान बनावल जाये। मेरारू प्रिया कलस की सोच तरह और बहुत बड़ा बा, लेकिन रउआ हमार देवता बानी, हमरा अर्धांगिनी बानी, हम कैसे नकार सकत बानी, रउआ जो अच्छा लागे कहीं करे के हम तैयार बा। आखिर दोनों जना सहमत हो गई, तरज बा का तरज के लाइन बा बाबू, कनवा के बलिया ओठावा के लालिया, कनवा के बलिया अखिया के रे का जारावा,
हनिया ये गोरिया जान मारे लाला कियो हनिया ये गोरिया मजा ले ला काला रे बादारावा पति पत्नी विचार कई के गांव छोड़ दिहलन बाबू दोनों लइकन के उठौलन है अपन सर सामान लिहलन कुछ पटना स्टेशन पर आ गइलन कैलन का कई के तैयारिया धैल हले गड़िया कई के तैयारिया धैल हले गड़िया आ गइले बंबई सहरिया अपने बच्चों को लेकर के पटना से पटना कुरला सुपर फास्ट पकड़ना लोगन कुरला उतरलन जैसन की पहलेवे बतौली की बाबूलाल का एक दोस्त भी रहत रहलन कल्याण में बम्बई के कल्याण में उतर के वही दोस्त के यहाँ गइलन दोस्त के सहारा मिलल और सहारा लेके वो दोस्त कल्याण में कपड़ा के फैक्ट्री में काम करत रहे बाबूलाल के ले जाके सेठ से मिलौलन है सेठ के मैनेजर ओके कह दिहलन बाबूलाल और बाबूलाल के पत्नी दोनों जना काम करे लगल नाइट ड्यूटी बाबूलाल करे और डे में दिन में उनकर औरत भी काम करे मरद मेहरारू बड़ी मेहनत कैलन कवि जी लिखलन है का लिखलन दोनों दंपति खूब खटे रातो दिन हो पीतल कुछ समैया बाबू है पीतल कुछ समय खरीद ले जमीन हो पीतल कुछ समय खरीद ले जमीन हो खुलल त कदिरिया बनवल झोपड़िया खुलल त कदिरिया बनवल झोपड़िया दूर भइल चिंता की मेहरारू बड़ी मेहनत कैलन दोनों मिलके भाड़ा पर पहले लेके एगो रूम रहत रहलन लेकिन इतना मेहनत कैलन दोनों लइकन के नाम भी लिखा दियलन दोनों लइका पढ़न सन दिन में आके जौन बा बाबूलाल घर आवे तो ओकरा बाद तब तक सुबह में खाना पीना बना के उनकर औरत तैयार हो जाए चल जाए दिन में ड्यूटी करे और ड्यूटी करके आवे तले बाबूलाल फिर शाम के ड्यूटी खातिर तैयार हो जाए दोनों लड़का स्कूल से आ जासन
इतना मेहनत कैलन, इतना मेहनत कैलन कि बाबू कुछ जब पैसा हो गई तब बाबूलाल ओही कल्याण के पहले, आप लोग अगर बंबई गए होंगे तो देखे होंगे कल्याण के पहले एक डोंबीवली स्टेशन पड़ता है, छोटी स्टेशन है। डोंबीवली में आके बाबूलाल जमीन ले लिया आ लेके अपन छोटा मोटा एगो खोली टाइप के घर बना लिया। अब तो भाड़ा से वंचित हो गईलन, भाड़ा देवे के ना पड़े, अपना घर में रहे लगलन, लैकन के पढ़ावे लिखावे लगलन, दोनों मरद मेहरारू डोंबीवली से जाए कल्याण में अपन ड्यूटी करे, फिर अपना घरे चले आवे। ए तरह समय गुजरे लगल, लेकिन बाबू भइल का एक लाइन तर्ज बा, का तर्ज का लाइन बा, विधना का विधान। भगवानों कबो कबो गरीबन खातिर अपना किताब में गजब लिख दे ले। बारे भगवान, भगवान कभी कबो गरीबन के सुख देखल निक नहीं लगे। भगवान ज्यादा तरह से गरीबने से परीक्षा ले ले। देखें गीत से सुंदर हमार ग्राहक लाइन दिखल गई, कवि जी लिखलन है, का लिखलन, जवन लिखल करम में होला सब जुटल मुहल्ला टोला, जवन लिखल करम में होला सब जुटल मुहल्ला टोला, सात संघाती रोग पीट छाती झरझर बरी से नैना, साथी संघाती रोग पीट छाती झरझर बरी से नैना, बिपतिया हय पतिया दे दिहला बिधाना, बिपतिया आखिर बाबूजी आफत आइल का। आगे चल के आपके हम बताए कि ओ गरीब के साथ भगवान एगो घटना घटा दिया लन। औरत लड़कन के खाना बना के टिफिन में बंद कैके और तैयार वे ड्यूटी जाए खातिर, एहवर पति जब ड्यूटी से लवट के अलन अपना पति के समझावत बे कि देखी लड़कन के टिफिन में हम खाना कह दे बने, एक काम करब कि लड़कन के स्कूले भेज दे, आ अगर सपरी तो लड़कन के कपड़ा उपड़ा धो के तनी प्रेस कर दे, काहे कि हम के आवे में रात लेट हो जाता, रात हो जाता। कला की जा तू चिंता मत कर, हम लड़कन के स्कूले भेज दे टिफिन दे के और लड़कन के कपड़ा धो के नहाइब तो कपड़ा धो दे आ धो के प्रेस कर दे। उधर पत्नी चली गई ड्यूटी में, बच्चे चले गए स्कूल और बाहर भगवान बाबूलाल नहाने जाता है स्नान करने, बच्चों को कपड़ा लेकर के फीसता है धोता है, फिर उसके बाद में खाना खाया, कपड़े जब सूख गए तो सोचा कि पत्नी आती है लेट से, बच्चों का स्कूल का कपड़ा है प्रेस कर दूं, प्रेस करने लगा। जब प्रेस करे लागल भगवान कैसन महिमा, लाइन का शर्ट लागल बाटे ओ गरीब बाबू, कहले के मतलब कि बाबूलाल के प्रेस में लाइन आ गई और लाइन बाबूलाल गरीब आदमी के पकड़ लिया। बाबूलाल अकेला घर में है, चारों तरफ कुछ देर तक तो देखा लेकिन लाइन बाबू इतना झटका से पकड़ी है, लाइन का वोल्टेज इतना तेज था कि बाबूलाल के मुंह से आह तक भी नहीं आया और बाबूलाल उसी प्रेस में सट करके, लाइन में सट करके इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। जब गांव वालों को पता, अगल बगल के लोगों को पता चलता है, दौड़ करके लोग आए किसी तरह से लाइन काटे बाबूलाल को, देखते हैं तो बाबूलाल अब इस दुनिया में नहीं है। सभी लोग छाती पीटने लगे कि अरे भगवान ही का कैला, दोनों लड़का छोटे छोटे स्कूल में हुन, मेहरारू ड्यूटी पर बिया, बाबूलाल को फैक्ट्री में कपड़ा की फैक्ट्री थी, बाबू कपड़ा का मिल था, उसी मिल में काम कर रही थी जिस मिल में बाबूलाल काम कर रहा था। अब अगल बगल के लोग
करत का हुन बाबू केहू फोन धरावे हो केहू लईका लियावे हो टूटल सपना निर्भुर भइल कितना अरे रोवे भाई बहना टूटल सपना निर्भुर भइल कितना है बिपतिया है अपतिया देई दिहल तिधना कुछ लोग बगल के दौड़ करके गए स्कूल पर दोनों बच्चों को लाते हैं और कुछ लोग वहाँ फोन फैक्ट्री में करते हैं। वो कपड़ा की मिल में मशीन पर बैठी हुई थी, एक हाथ से काम कर रही थी, दूसरे हाथ से फोन उठाती है बेचारी बाबूलाल की औरत। पूरी तरह से आवाज भी नहीं सुन पाई कि एक हाथ उसका मशीन में चला गया और इस हाथ को बचाने के लिए दूसरा हाथ बढ़ाती है, तब तक वो भी हाथ मशीन में चला गया, दोनों हाथ कट गए। बेहोश पड़ गई बाबूलाल की औरत। मिल मालिक, मिल का जो मैनेजर था कपड़ा मिल का, हाहाकार मच गया मिल में। उस बाबूलाल की औरत प्रिया को ले जाके हॉस्पिटल में लोग भर्ती किए। इधर घर पर पति की लाश पड़ी हुई है, दोनों मासूम छोटे छोटे बच्चे हैं। अगल बगल के लोग किसी तरह से बाबूलाल के अंतिम दाह संस्कार करवाते हैं। उस छोटा सा लड़का से मुखाग्नि दान दिलवाए। दोनों बच्चे जब फैक्ट्री में जाते हैं, पता चला लोगों को कि बाबूलाल की औरत का दोनों बांह कट चुका है। आए है, है, है। दोनों लड़का रोत बिलखत हॉस्पिटल में गयलन। जेवना हॉस्पिटल में उन्हीं के माई भर्ती बे, बेड पर पड़ल बे, दोनों हाथ असहाय बा, दोनों हाथ कटल बा। अब जो माँ अपने छोटा सा बेटा राहुल को देखती है, कपार के बाल छिले हुए हैं, बोलती है कि मुन्ना ये क्या हुआ। रो रो करके दोनों बच्चे बताते हैं कि मम्मी पापा इस दुनिया में अब नहीं रहे। आवाक आवाक हो गई। एक तो दोनों हाथ कटा था, दूसरा सदमा लगा पति की मौत। वही बेड पर पड़ल बे एक टक दोनों लेकन के तिकवत पे मेहरारू प्रिया और एक बात सोचत पे। का सोचत पे सोचत पे कि सनुरवा कैसे धोई सजना, अब सनुरवा कैसे धोई सजना, पापी पेट के कारण जिंदगी बनल महुरावा, सनुरवा कैसे धोई सजना। भागन औरत बाबूलाल की सोच रही है कि मैं वो अभागन हूँ, इस दुनिया में मेरा पति नहीं रहा, लेकिन पति की मांग में जो सिंदूर पति ने भरा है, अब पति नहीं रहा तो मैं किस हाथ से कैसे अपने सिंदूर को धोऊं। हाथ भी दोनों भगवान ले लिए। इतना सदमा लगा बाबू, इतना सदमा लगा, आखिर बाबूलाल की औरत कोमा में चली गई। प्रमाण मिला पत्रिका में कि दो दिन तक कोमा में रही और कोमा में रहने के बाद फिर वापस नहीं लौट पाई। तीसरा दिन उसी हॉस्पिटल में अपनी दम को तोड़ देती है। डॉक्टर मृत घोषित कर दिए। दोनों बच्चे अनाथ हो गए, पापा भी मर गए, फैक्ट्री के मालिक
कपड़ा मिल, जिस कपड़ा मिल में वो काम करती थी उसका मैनेजर किसी तरह से उस औरत को दाह संस्कार कराया है। दोनों बच्चे अनाथ है, बड़ी लड़की है, छोटा सा भाई है राहुल। दोनों लड़के बाबू अब भीख मांगने के कगार पर चले आए और उस बंबई शहर में दोनों भाई बहन करते हैं क्या। भैयावा बहनिया गावत अड़न, बहनिया लेके भैयावा के छोट गावतिया और लोगन से भीख मांगते, दिन भर भीख मांगे साधी कन अपना खोली में चल जा। दोनों भाई भाई का भीख मांगत पे बहनिया, टुअरा बना के मरी गैली मतरिया हो, घूमी घूमी ओही, अरे घूमी घूमी ओही मुंबई सहरिया हो, भीख मांगे चलल बाबू। लेकिन भैयावा अब समझदार हो गई बा, भैयावा को उम्र हो गई धीरे धीरे 10 बरिस के, अब बहनिया को उम्र बाटे 12 बरिस के। भैयावा कलश की बहनी अबे तेरे ना हुई, अब भीख तू ना मंगू, तू अपन पढ़ाई पूरा करबू, हम भीख मांगब या कोनो काम कह के मजदूरी कह के तो के पढ़ाई। भैयावा के गोदी में लेके बहनिया रोवे लागल, कलश की रो मत बहनी, माई बाबू नहीं तका, अब माई बाबू हम बन के तोके पढ़ाई। देखें भाई बहन का प्यार, इसके पहले भी मैंने एक भाई बहन का प्यार गाया था जो कि आप लोगों ने बहुत ही लायक किया और कई मिलियन लोगों ने सुना है उस बिरहा को। ये भी भाई बहन का प्यार है। अब बहनिया पढ़े लगल 10 वर्ष की उम्र में, छोटका भैयावा राहुल भीख भी अब ना मांगत बा। जेवना हॉस्पिटल में उकर मतारी मरल रहे वही हॉस्पिटल के गेट पर जाके दातुअन बेचे के काम करे लगा। रोज सवेरे 4 बजे भोर में दातुअन लेके चल जाए, ए तरह उकर धीरे धीरे जान पहचान भी होगल और बिक्री भी होगल, पैसा भी कमाए लगल। भैयावा नतीजा निकलल का, रेखा के पढ़ावे बिरानवा हो, अरे रेखा के पढ़ावे बिरानवा हो, भीख मांगे कमाई का कुछ स्रोत पढ़ावलस। लेकिन यही बीच एगो और घटना घटल, देखा भगवान के लीला। रेखा के पढ़ावे बिरानवा हो, भीख मांगे घायल भैले सेठ के ललनवा हो, भाग जागे नेक।
दबाबो, कहानी एकदम साफ साफ समझ में चली आई। रेखा के पढ़ावत बा भीख मांग के दतुअन बेच के राहुल। एक दिन सुबह में बैठल बा दातुअन के लेके हॉस्पिटल के गेट पर, तब तक एक सेठ का लड़का, पत्रिका में प्रमाण मिला कि सेठ का वही एक बेटा था, एक्सीडेंट कर जाता है। और जब एक्सीडेंट कर जाता है हॉस्पिटल में भर्ती होता है, उसी हॉस्पिटल में सेठ लाता है। डॉक्टर बोल दिया कि एक्सीडेंट में आपके बेटा का दोनों किडनी खत्म हो चुका है, अगर एक किडनी मिल जाती है तो आपके बेटा का हम जान बचा लेंगे। ओनी सेठ के कोनो पैसा का कमी ना बा, धन दौलत का कमी ना बा। पांच पांच फैक्ट्रियां चल रही थी, प्रमाण मिला। तीन फैक्ट्रियां कपड़ा की, तीन कपड़ा का मिल गुजरात में बा, दो कपड़ा का मिल ही बंबई में बा। आज उ सेठ चारों तरफ गुहार लगावत हवन की भैया कतनो पैसा केहू ले ले, हमारा धन दौलत का कमी नहीं खे, एगो किडनी अपन केहू दे दे। कोई तैयार नहीं हुआ बाबू। सेठ रोने लगा कि एक ही बेटा है, भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन ये क्या कर दिया, अगर मेरा बेटा मर जाएगा ये धन दौलत किस काम का। सेठ रो करके गुहार लगाता है कि भैया कोई नेक काम कर दे, इंसानियत कर दे, मैं मुंह मंगा दौलत दूंगा, जो कुछ मांगेंगे किडनी देने वाला इंसान उसको मैं देने के लिए तैयार हूँ। इस बात को राहुल सुनता है, वही रेखा का भाई राहुल, दातुअन जो बेच रहा था। विचार करने लगा, विचार करे लगल कि माई मर गईलन, माई मर गई, बाबू मर गईलन, एगो बहिन बेबड़ बेटी पराई धन होलिन, बाबू माई के मुआला के बाद ओकरा खातिर हम ही बाबू बानी, हम ही माई बानी, साथ में ओकर पढ़ाई भी पूरा करावे के बाद और एक न एक दिन ओकर शादी भी करे के बाद, तेकरा से अच्छा मौका ना मिली। इंसान ही इंसान के काम आवेला, काहे ना हम अपने को किडनी दे दी सेठ जी के, सेठ जी के लड़का के किडनी दे दे, सेठ जी के लड़का ठीक हो जाए और एक किडनी पर हम भी जियत रहब, उनकर लड़का भी जियत रही, कोनो दिक्कत ना हुई। और फिर हमारा बहन खातिर कुछ सेठ जी दौलत भी दे दीहन, बहन के शादी ब्याह कह देव, अपना घर चल जाये। विचार करके राहुल दातुअन को छोड़ करके उस सेठ के पास जाता है, कहता है सेठ जी मैं आपके बेटा के लिए किडनी देने के लिए तैयार हूँ। खुशी से झूम उठा सेठ, बोला कि बेटा जो कुछ कहोगे जो कुछ मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, ये एक नेक काम कर दो। एक बगल में सेठ का बेटा है बेड पर, बगल में दूसरे बेड पर जा करके सोता है राहुल 10 बरस की उम्र में, और ये किडनी अपना देने के लिए तैयार है। डॉक्टर ऑपरेशन करता है किडनी निकाल करके, और सेठ के बेटा को किडनी लगाता है। एक किडनी पर सेठ के बेटा भी ठीक हो और एक किडनी पर राहुल भी ठीक हो। 7 दिन के बाद जब टाका कटल बाबू, एहर हॉस्पिटल में 7 दिन बीत गई, और घर पर बहिनिया परेशान बेरेखा कि रोज भैयावा तो हमार चली आवत रह, कभी कभी लेट होत रहा, तो रात में ना आई तो सवेरे जरूर आई, दोपहर में जरूर आई, लेकिन आखिर भाई गई कहाँ, अब तो वे वो जिंदगी के सहारा रहल भाई। हे बाबू आखिरकार वो बहन छटपटा छटपटा के अपना घर में से निकलल बे, लोगन से पूछत बे आके आस ओ हॉस्पिटल तर, जवन लड़का भी ओकरा संगे कबो कबो दिखाई पड़त रहन, ओहनी से जाके पूछत बे, तब ओके पता चल कि तुहार भाई राहुल त सेठ के लड़का के किडनी दिले बा। जाके हॉस्पिटल पर देखत बे एक बेड पर राहुल पड़ल बा, होश में बात कवत बा राहुल, एक तरफ पानी के बोतल लगल बा, एक तरफ खून के बोतल लगल बा, ब्लड चढ़त अटे राहुल के, उसेज के लड़का के आवाक आवाक हो जाती है। वो रेखा रोने लगती है, अपने भाई के बेड पर जा करके कहती है कि भाई तुम क्यों ऐसा किया, मेरे लिए किया, मैं किसी तरह से तेरे साथ जिंदगी बिता लूंगी, लेकिन तुम अपना दशा क्यों इस तरह से बना लिया। कहा राहुल की रो मत पगली, मैं ठीक हूँ, हम ठीक बानी, रो मत। जब 7 दिन के बाद बाबू टाका कटल बा, फर्स्ट क्लास के राहुल अपना बेड से उठलन है, सेठ जी का लड़का भी उठल बा, वो सेठ भी नेक इंसान था बाबू, सेठ भी
बहुत अच्छा इंसान था। सेठ आकर के बोला कि बेटा तुम तो अपना फर्ज निभा दिया राहुल, लेकिन अब मुझे फर्ज निभाना है, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। मुझे भगवान ने धन दौलत की कमी नहीं दिया है, 3 फैक्ट्री कपड़ा के, 3 मिल गुजरात में हो, 2 मिल ही बम्बई में बा। बोला कठ फैक्ट्री से तुहार काम चल जाये, कगो फैक्ट्री तुहरा नावे लिख दी, तो हमार बहुत बड़ काम कर दिया, तू ना रहता था हमार बेटा का जान ना बची। राहुल के आंखों से आंसू छलक जाता है, हाथ जोड़कर कहता है कि सेठ जी इंसान ही इंसान का काम आता है, ये धन ये दौलत कोई माने नहीं रखता। जब इतनी बात राहुल कहा, सेठ अवाक है, सोच रहा है कि ये कोई संस्कारी माँ बाप का ही बेटा होगा, संस्कारी माँ बाप का ही औलाद होगा। बोला कि बेटा सब कुछ ठीक है, जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले एक बात बताओ, तुम हो कौन, कहाँ का रहने वाले हो। तब राहुल बोला कि सेठ जी ये जो बेड पर बैठी है मेरी बहन है, मुझसे बड़ी है। हम लोग बिहार के पटना के नीचे पूर्वी बिहार में जो देरांचल है वहीं के रहने वाले हैं। माई बाबू बहुत छोटे पर लेके हमन के आ गईलन, आया के एगो बम्बई के कपड़ा मिल में काम करे लगल लोग दोनों जना। संजोग से पिताजी का लाइन पकड़ लियलस, करेंट मार दियलस, बिजली से मर गईलन। अजबी दशा सुनलस मतारी तो कर दोनों वही मिल में, कपड़ा के मिल में हाथ मशीन में धरा गए, दोनों हाथ गंवा दियलस। जब बाबूजी के मौत के खबर सुनलस तो माई बर्दाश्त ना कैलस गम के, ये दुनिया के छोड़ के चल दियलस। सेठ कहा कि तुम कौन हो, क्या तेरे बाप का नाम बाबूलाल नहीं न था। रो करके वो लड़का राहुल हाथ जोड़ कर कहता है कि हाँ सेठ जी, मेरे बाप का नाम बाबूलाल और माँ का नाम प्रिया। सेठ अवाक है, सोच रहा है कि अरे बाबूलाल और प्रिया तो मेरे ही कपड़ा के मिल में काम करते थे बम्बई, ये उन्हीं दोनों का बेटा है जो जिंदगी भर मेरे मिल में काम करते रहे, और बड़ी सच्चा इंसान था बाबूलाल, और उसकी पत्नी, कभी मैं गुजरात से आता था तो मिलता था बाबूलाल से, लेकिन अफसोस है कि उसके मौत के बाद मैं अपने बम्बई वाला मिल में नहीं जा पाया, गुजरात के ही कारोबार संभालता रहा। कहा कि बेटा चिंता मत करो, तेरे माँ बाप मेरे ही मिल में काम किया करते, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, तेरे नाम से कहो तो मैं 2-3 फैक्ट्रियां 2-3 मिल लिख दूं, 3 मिल गुजरात का है और 2 मिल बॉम्बे में है। हाथ जोड़ करके रोने लगा। राहुल कहा कि साहब अगर कुछ देना ही है तो मेरी बड़ी बहन है, मैं चाहता हूँ इस बहन की शादी खूब धूम धाम से हो जाए किसी अच्छा इंसान से, घर बार अच्छा मिल जाए, इसकी पढ़ाई पूरी कर दे। मैं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसका इच्छा है डॉक्टर बनने का, मैं गरीब आदमी हूँ कहाँ से डॉक्टर बनाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जिस घर में जाए इसका ऐसा परिवार मिले कि वो इसे डॉक्टर बना दे। राहुल की बात सुनकर सेठ के आंखों में मोती जैसे आंसू छलक गए। कहा कि बेटा चिंता मत करो, मैं जरूर कुछ करूंगा। और बगल में जो बेटा था अपने बेटे के पास जाता है, कहा कि बेटा ये बाबूलाल का संस्कारिक माँ बाप का बेटा है जो तेरी जान बचाया है, और इसकी ये बहन है तेरे सामने, क्या इस लड़की को तुम अपनाना चाहोगे। सेठ का लड़का भी संस्कारिक था। कहा कि पिताजी जिसके माँ बाप हम लोगों के फैक्ट्री में जिंदगी गुजार दिए, और उसका बेटा भी अंततोगत्व मेरे काम आया कि अगर वो नहीं रहता तो मैं बच नहीं पाता, अगर किडनी अपना नहीं देता तो मैं बच नहीं पाता, तो इससे हो भाग्य का होगा, कम से कम ये कर्ज उतारने के लिए उस लड़की को मैं सहस तैयार हूँ, स्वीकार करता हूँ। बड़ी धूमधाम से उसी डोंबिवली में, बम्बई के उसी डोंबिवली में, उसी गरीबों की झोपड़ी में, उसकी खोली में शादी होती है बाबू, और धूमधाम से बारात सेठ जी लेकर जाते हैं। हर जगह का खर्चा सेठ जी वाहन किए, और सुबह में जब अपनी बहन की विदाई, रेखा की विदाई करने लगा, राहुल आंखों में आंसू भर कर रोता है, बहन के पैर पोंछ करके घर के अंदर फेंकता है, और डोली में बैठाता है, गाड़ी में जब बैठाता है, एक तरफ बहन रो रही है, एक तरफ भाई रो रहा है, लेकिन भाई रो करके बहन से एक बात कहता है। क्या कहता है बाबू? यही रो करके कहता है
कि बाबुल की दुआएं लेती जा, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिली। लेकिन हमरे बिरहा में लिखल गई तो धुन बा, धुन से भी अच्छा बिरहा का बात लिखल गई। भैयावा रोत बा बहनिया के सामने हाथ जोड़ के गाड़ी के खिड़की तर खड़ा बा और रो के एक बात कहत बा का कि भाई ये दुआएं देता है, भाई ये दुआएं देता है, जा तेरा सुखी परिवार रहे। भाई ये दुआएं देता है, जोड़ले बा बहिन के विदाई करत बा, रोत बा कहत बा का जो भूल हुई होगी मुझसे, धज करके उसकी बहन रेखा गाड़ी के खिड़की तर खड़ा होकर भाई विदा कर रहा है, रो करके सारी बात पता कहता है। लेकिन एक तरफ गाड़ी के बगल में वो सेठ जी भी थे खड़ा, भाई बहन के प्यार देखते हैं। जब गाड़ी खुलती है, गाड़ी चलने लगी तो धीरे से उस बेटा राहुल को बुलाते हैं। सेठ जी कहे कि बेटा तेरी बहन ही नहीं जाएगी, तुमको भी चलना होगा, तुम भी मेरे साथ चलो, आखिर तुम्हारा है कौन, जो कहो आज से मैं तुझे वो हक देता हूँ कि मेरे एक बेटा नहीं है बल्कि दो बेटा है। हाथ जोड़ करके राहुल रोने लगा, कहा कि सेठ जी ये हमारे धर्म में नहीं है। अरे जिस बहन को मैंने कन्यादान दिया अपने हाथों से, कन्यादान तो बाप देता है, माँ देती है बेटी को, लेकिन माँ बेटी बन करके मैं कन्यादान दिया बहन का, तो ये धर्म नहीं कहता है जिसे कन्यादान दिया जाता है। हमारे धर्म में तो उस घर का उस बेटी का पानी भी नहीं हम लोग पीते हैं। नहीं सेठ जी, ये नहीं हो सकता है, मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मेरी बहना को सुख से रखना। और उनकी अंतिम इच्छा थी डॉक्टर बनने की, सेठ जी मेरी बहन को पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बना देना।
मेरे माँ बाप का भी सपना पूरा हो जाएगा, मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा और मेरी बहन का भी सपना पूरा हो जाएगा। आखिर नहीं माना राहुल, सेठ जी मजबूर हो गए। सेठ जी जाने लगे तो बोले कि राहुल बेटा मैं तो जा रहा हूँ, तू जीत पर अड़ा है लेकिन कभी भी कोई चीज की आवश्यकता पड़े तो तेरे लिए रात को भी दरवाजा खुला है, आ जा। धन्यवाद कहा राहुल और सेठ जी चले गए। राहुल अपनी खोली में जाकर बहन की याद में खूब रोया, खूब रोया। अंत तो कतवा दो दिन तक रोता रहा अपने घर में बैठ करके अकेला, लेकिन बाद में सोचता है दो दिन के बाद कि अब इस दुनिया में मेरा कौन है। माँ मर गई, पिताजी मर गए, बहन का खुशी से शादी कर दिया और वैसे भी मैं कोई काम, बड़ा काम, बोझ वाला काम मैं कर नहीं सकता। इस दुनिया में कोई है नहीं, भगवान की ऊंची लीला है, भगवान जिस तरह से जिलाए। निकल जाता है बम्बई से बाबू राहुल, चला आता है शिरडी और शिरडी में आकर के साईं बाबा, शिरडी के मंदिर में जा करके साईं बाबा के मंदिर में जा करके गुहार लगाता है। गुहार लगा के कहले बा, का कहले बा, ये कहत बा कि सुनी पुकार बाबा, अइली दुआर बाबा, सुनी पुकार बाबा, अइली दुआर बाबा, दुनिया में केहू ना हमार बा। साईं बाबा के मंदिर के बगल में एक झोपड़ी बना करके वो राहुल रहने लगा। साईं बाबा के मंदिर में पूजा करने लगा और कुछ दिन के बाद वो एक बहुत बड़ा फकीर के नाम से सुप्रसिद्ध हो गया। राहुल बहुत बड़ा फकीर के नाम से सुप्रसिद्ध हो गया। साईं बाबा के मंदिर में जो भी जाता है दर्शन करने के लिए, साईं बाबा का एक बार जरूर उस फकीर का दर्शन करता है। समय धीरे धीरे बीतत बा, आखिर बाबू भइल का। कि पाई के बसंत जैसे, हाँ, पाई के बसंत जैसे धरती धधाली भैया, नदिया धधाली पाके सागर के कछारी, नौकरी के पाई वैसे रेखा गराली भैया, दर्शन करे चलली साई दरबारी, देखली फकीर मनवा बाबू, हाँ, बिरना
सुनली हम ही अभागा भाई बहिनी तोहारी। तनी बात समझ ल बाबू, एकदम कहानी साफ साफ समझ में आ जाइए। सेठ जी बहू बना के लेके गईलन ओ रेखा के। रेखा सेठ की बहू बन गई, पति पत्नी में अगाध प्रेम था। इतना ही नहीं, सेठ दौलत की कमी थी नहीं, पैसे की कमी था नहीं बाबू। पढ़ा लिखा करके अपने यहाँ ही उस लड़की का अरमान पूरा किए, रेखा को डॉक्टर बना दिए। रेखा को सरकारी नौकरी भी मिल गई। और जब सरकारी नौकरी मिलल बा, रेखा कलश अपने पति से, सेठ के लड़का से पति से कलश के देखी। बहुत दिन से हमार अरमान लागल बा साईं बाबा के हम दर्शन सिरनी में नेखी कैले। एक बार हम के साईं बाबा के दर्शन करा देती सावन में बाबू। दोनों पति पत्नी साईं बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचे। दर्शन करते हैं, उस दिन रक्षाबंधन का दिन था। मंदिर के दरबार से, मंदिर से जो ही दोनों पति पत्नी निकलते हैं दर्शन करके, सामने एक चौतरा पर एक साईं बैठा था, दाढ़ी बाल बढ़ा करके। लोगों की भीड़ लगी थी। अचानक रेखा की नजर पड़ी है उस साईं पर, आंखों से आंसू छलक पड़े, रोने लगी। उसका पति बोला कि क्यों रो रही है, क्या बात है? बोली कि पता नहीं, रह रह करके आज भाई मेरा मुझे याद आ रहा है। कहाँ होगा, किस हाल में होगा? मैं तो सुख से हूँ, चैन से हूँ, लेकिन मेरा भाई किस हाल में होगा? सभी लोग जाकर के उस साईं से पूछ रहे हैं अपनी अपनी किस्मत के बारे में। चलिए ना थोड़ा हम लोग भी पूछें। जाती है, एक बार नजर पड़ता है साईं की। साईं बोला कि बहन बोलो, कैसे आना हुआ तुम्हें, क्या जानना चाहती हो? हाथ जोड़कर कहती है कि बाबा मैं एक ही अरमान लेकर आई हूँ कि मेरा भाई है, एक लाख का सहोदर भाई, मेरी शादी करके और पता नहीं कहाँ गुम हो गया, कहाँ चला गया, क्या उसके बारे में पता आप लगा सकते हैं, बता सकते हैं? साईं गौर से देखा उस रेखा को और कहा कि तेरा नाम क्या है? बताई है कि मेरा नाम रेखा है। बोला कि कहाँ तेरी शादी हुई है? पूरी अपनी हकीकत बताती है वो रेखा। साईं बोला कि ठीक है, मैं तेरे भाई को बता दूंगा, लेकिन आज नहीं, कल तुम शाम को मेरे झोपड़ी में आना, मैं सामने वाले झोपड़ी में रहता हूँ। अब इंतजार वो करने लगी बाबू। दूसरे दिन ठीक टाइम से वो पहुंच जाती है साईं के उस झोपड़ी में। साईं देखता है, कहा कि तुम अपने भाई के बारे में पता लगाना चाहती हो कि तेरा भाई कहाँ है? तो रेखा अपनी दोनों आंख उठाए और देख, तेरे सामने तेरा भाई खड़ा है। मैं कोई और साईं नहीं हूँ, तेरा ही भाई जिसका नाम राहुल है, मैं वही राहुल हूँ, तेरा भाई, सगा भाई। अब हक हो गई, दौड़ करके उस साईं को गले से लगाती है, कहती है कि भाई राहुल तू कैसा वेश बना लिया है, मुझे एक जिंदगी दे करके और तुम अपने इस तरह से रह रहा है, मैं कैसे बर्दाश्त करूंगी? कहा कि नहीं, तुम भी सुख से हो और मैं भी सुख से हूँ, इस दुनिया में मेरा कौन है? साईं बाबा का दर्शन रोज होता है, पूजा करता हूँ, अब इससे अच्छा और क्या है? बहुत जिद करती है रेखा कि नहीं तुम चलो मेरे साथ, चलो हम दोनों भाई बहन रहेंगे, भगवान ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं दिया है। साईं बोला कि नहीं नहीं, जिस बहन की मैंने कन्यादान दिया है उस बहन के घर में पानी तक नहीं पी सकता, खाना तो दूर है, दौलत तो दूर है, जा तू भी जहाँ रह सुख से रह और मैं भी सुख से हूँ। बाबू आज भी वो साईं जिंदा है, हमारे सुनने वाले विरह प्रेमी ध्यान देंगे, ओ साईं आज भी जिंदा है। कुछ दिन पहले साईं बाबा पर सवाल उठा था और आज भी वो रेखा जिंदा है। ओ बहन हर साल सावन को गुरु पूर्णिमा में जाती है, सावन के रक्षाबंधन के रोज वहाँ रहती है और फ्री में लंगर चलाती है, तीन रोज तक लंगर चलाती है और गरीबों का दवा बांटती है, डॉक्टर है, दवा बांटती है और तीन दिन तक साईं बाबा के मंदिर में लंगर चलाती है। तो ये प्रमाण मिला है पत्रिका से, कवि जी लिखे हैं क्या? कि अरे झर झर रोवेली बहिनिया अब साईं के अगवा, बधली भाई के कलैया में राखी के धगवा।
दिन हर साल बहना है जाती, भूखे को लंगर में खिलाती, मुफ्त दवा बटवाती। अरे माटी में मिल जाए एक दिन माटी के अंगवा, बदली भाई के कलाई में राखी के धगवा। वही बाबू आज भी बहन ओ रेखा सावन के रक्षाबंधन के दो दिन पहले जाती है, लगातार तीन दिन तक साईं बाबा के मंदिर में लंगर चलवाती है और मुफ्त दवा बांटती है, और रक्षाबंधन के दिन उस साईं अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है। आज भी ये प्रमाण है, गाने का अंतिम प्रमाण था। जय जखार गुरु जद्दू लौटन लालता स्वर्ग में डोले, कथन करे कवि अनुज लाल मितवाजी जय जय बोले। अरे सनुरवा कैसे धोई सजना, अनुज ओम